मैं ना कुकर लेकर आऊँ अपना आराम। हाय गाइज, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। गाइज, अभी आपने एक वीडियो क्लिप देखी जिसमें अपनी बाइक में काम हो रहा है। एक छोटा सा काम हुआ है, कल मैं सर्विस सेंटर गया था और वहाँ पे मैंने उस काम को करवाया है। क्या वो काम हुआ है, कौन सा पार्ट है, क्या चेंज हुआ है, कितने का चेंज हुआ है, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि अभी अपनी बाइक नहीं है तो क्या वो वारंटी में चेंज हुआ है या मुझे उसके लिए अलग से पे करना पड़ा है, उसके बारे में टोटली पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। और उस पार्ट के ख़राब होने की वजह से क्या दिक्कत आ रही थी, वो सारा टोटली ब्रीफली बात करेंगे हम। तो चलिए, वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि कहीं कोई इन्फॉर्मेशन आपसे रह ना जाए। और हाँ गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, जैसा कि मैं बता रहा था, अपने बाइक में एक काम हुआ है। वो काम क्या है, एक ऐसी प्रॉब्लम थी जब मैंने बाइक ली थी उस टाइम से ही वो प्रॉब्लम मुझे आ रही थी। लगभग 2 या 3 महीने बाद, 500-600 किलोमीटर चलने के बाद ही वो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो चुका था। तो उस टाइम पे क्या, मैं जब भी सर्विस सेंटर जाता था तो एक रीसेट का ऑप्शन होता है, वो उसको रीसेट कर देते थे और ठीक कर देते थे उस प्रॉब्लम को। बट फिर जैसे ही बाइक 50 से 100 किलोमीटर राइड करता था, चलाता था, तो वो फिर से स्टार्ट हो जाता था। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बात करी है इस चीज़ के बारे में कि मेरी ABS की जो लाइट है ये हमेशा जलता ही रहता था, ये बंद नहीं होता था और मेरी ABS ब्रेक जो है वो काम नहीं कर रहा था। तो ये जो बाइक कल अपना रिपेयर हुआ है, ये ABS को लेकर के रिपेयर हुआ है और ये अब मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि अब मेरी बाइक में जो ABS का जो सिस्टम था, जो ख़राब चल रहा था, वो बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो कल जो वो पार्ट डला, उस पार्ट का नाम क्या है, वो है ABS ब्रेक प्रेशर मॉड्यूल। ABS में एक मॉड्यूल होता है जो कि ब्रेक का जो ऑयल होता है उसके प्रेशर को एक तरह से कहे तो मॉडिफाई करता है, उसके प्रेशर को मैनेज करता है। अगर वो प्रेशर मैनेज नहीं होगा तो ABS बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। अभी मैं एक ABS के ऊपर एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जो कि आज तक मुझे नहीं लगता किसी यूट्यूबर ने बनाया होगा कि ABS कैसे वर्क करता है, ABS में कौन कौन से पार्ट वर्क करते हैं। वैसे नॉर्मली तो मैंने भी एक वीडियो अपनी बना रखी है जिसमें कि मैंने बताया है कि ABS कैसे वर्क करता है, सेंसर किस लिए होते हैं ABS के, पर इसके ऊपर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। तो फिलहाल मैं अपने आज की इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर आता हूँ कि वो पार्ट जो है, अब मैं बताता हूँ वो पार्ट चेंज कहाँ पे हुआ है। गाइस, ये अपना बैटरी यूनिट है और यहाँ पे कहीं उन्होंने पूरे इस FI सिस्टम को भी खोला था और यहाँ पे कहीं नीचे साइड में जा करके उस पार्ट को चेंज किया गया था। लगभग 1 घंटा टाइम लग गया था उसे चेंज करने में। ये यहाँ पे कहीं पे उन्होंने चेंज किया था। पूरी तरह से मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पे काफ़ी शोर हो रहा था, इसलिए मैं वहाँ पे वीडियो पूरी तरह से नहीं बना पाया। पर इस जगह पे इधर से भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा अपना FI वाला जो सिस्टम है इसको खोल करके और यहाँ पर कहीं उस पार्ट को चेंज किया गया था। उसका मेन जो वर्क है वो है जो ब्रेक का जो ऑयल होता है उसके प्रेशर को मैनेज करना, उसके प्रेशर को मॉडिफाई करना, उसका मेन वर्क है। अब बताता हूँ ये पार्ट हमारा चेंज कैसे हुआ। गाइज, जब 2-3 बार मैंने सर्विस सेंटर से इसको ठीक करवा लिया था तो उसके बाद भी जब मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो मैंने एक कंप्लेन लिखवाया और ऑनलाइन भी रॉयल इनफील्ड क्विक वेबसाइट पर जाकर के मैंने कंप्लेन किया। वहाँ से पार्ट आ गया एजेंसी में, पर यहाँ पे थोड़ी सी एजेंसी वालों की भी ये मिस्टेक रही। मैं किसी भी डीलरशिप को गलत नहीं बताता और ना ही वहाँ पे काम करने वाले सभी कर्मचारियों को गलत बताता हूँ, बट कुछ लोग ऐसा होते हैं जो गलती कर देते हैं। पार्ट आ गया था पर उन्होंने मुझे बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि सर आपका पार्ट आ गया है, आप आकर के चेंज करवा लीजिए। अब क्योंकि मेरी बाइक की वारंटी आउट हो चुकी है अभी के टाइम पर, लेकिन जो मेरा जो कंप्लेन था वो इन वारंटी में ही था, तो इसके लिए मुझे क्या पे करना पड़ा है या नहीं करना पड़ा है वो मैं आपको जब बिल दिखाऊंगा तो उस पर ही दिखाऊंगा। गाइज, अभी देखिए ABS की जो लाइट है ये भी जल रही है, क्योंकि ये ABS का सिस्टम होता है कि जब आपकी बाइक खड़ी रहेगी तो इसका इंडिकेटर जो है ये जलता रहेगा और जैसे ही आपकी बाइक मूव होगी 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या जैसे ही मूव होगी ऐसे ही अगर इसकी लाइट चली जाती है तो इसका मतलब है आपका ABS सिस्टम जो है वो अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो चलिए इसको मैं लाइव टेस्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं अभी हेलमेट माउंट से नहीं, हाथ से ही लाइव वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मैंने बाइक स्टार्ट कर लिया, ये गियर लगाया। अब गाइज देखिएगा, जैसे ही बाइक मूव होगी वैसे ही इसका ABS का जो लाइट है ये बंद हो जाएगा। ये अपनी बाइक मूव होना शुरू हुई और ये ABS लाइट बंद हो चुकी है। ये देखिए ABS लाइट बंद हो गई। तो ये अपना, इसका मतलब ये है कि अपना जो ABS का जो सिस्टम है ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। अब देखिए एक बार और ट्राई करते हैं। ये मैंने चाबी को ऑफ़ कर दिया, ऑन किया, देखिए लाइट जल रहा है। फिर मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ।
अभी बाइक अपनी गियर में, इसको न्यूट्रल करता हूँ। ये बाइक स्टार्ट हो गया। ईवीस की लाइट अभी भी जल रहा है। जैसे ही बाइक मूव करेगी ये लाइट जो है बंद हो जाएगी। ये देखिए लाइट बंद हो चुकी है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। ये देखिए लाइट जा चुकी है। तो मुझे अब ईवीस को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस ये वो बिल है और मुझे रॉयल इनफील्ड सर्विस सेंटर की इस बात सबसे अच्छी लगती है कि जो बंदा आपकी बाइक को रिपेयर करता है, सर्विस करता है, उसके नाम के साथ साथ उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिलता है। इनकेस अगर आपकी सर्विस में या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये मुझे रॉयल इनफील्ड की सबसे अच्छी बात लगती है। अब हम बात करेंगे पार्ट डिस्क्रिप्शन का। इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है ABS मॉड्यूल बुलेट केस, लेकिन मैं इसका पूरा नाम बताता हूँ, ABS ब्रेक प्रेशर मॉड्यूल, जिसकी की कॉस्टिंग है 3749, बट ये मेरा वारंटी में ही चेंज हुआ है। आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा 00 है, मेरा 1 रुपये खर्च नहीं हुआ है, बिल्कुल वारंटी में ही चेंज हुआ है। नीचे लेबर डिस्क्रिप्शन है जो कि R&R ABS मॉड्यूलेटर विथ ECU एंड माउंटिंग, मतलब जो फिटिंग का जो चार्ज है ये भी बिल्कुल 00 है, मुझे 1 रुपये भी नहीं देना पड़ा है क्योंकि मेरा सारा कुछ वारंटी में ही चेंज हुआ है। इसमें टाइम भी लिखा हुआ है कि 50 मिनट में उन्होंने मुझे मेरी बाइक रेडी करके दे दिया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 1 रुपये भी नहीं लगा मेरा, मुझे वारंटी आउट होने के बाद भी वारंटी में ही सारा कुछ ओके होकर के मिला है। ये आपको टोटल अमाउंट भी 0 दिख रहा होगा और टोटल कस्टमर अमाउंट भी बिल्कुल 0 है, मेरा 1 रुपये भी खर्च नहीं हुआ है, तो ये मेरा बिल्कुल फ्री में हो गया। तो अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत है तो आप ऑनलाइन कंप्लेन करके अपने बाइक को या अपनी गाड़ी को रिपेयर करवा सकते हैं। और हाँ गाइस, मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी मैसेज के साथ कि अगर बाइक चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर पहने, कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। धन्यवाद।